नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वापस से ट्रिपल आईएम की ओर से तृप्ति शाह ऑन हैशटैग आस्क ट्रिपल आईएम। मैं आप सबके सामने आज हूँ योग पटेल का एक प्रश्न लेके। योग पटेल हमें पूछ रहे हैं, कॉटन सीड ऑयल केक एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, उसका मार्केट और गवर्नमेंट बेनिफिट क्या है, प्लीज रिप्लाई। अब योग, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करने से पहले उसका HS कोड, हर एक प्रोडक्ट का एक नंबर होता है, वो नंबर आपके पास होना चाहिए। वो नंबर अगर आपके पास है तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी है, ये कॉटन में से ऑयल सीड्स की जो केक मिलती है वो किस उपयोग में आप लेते हो। ज्यादातर ये आप एनिमल्स को खाने में देते हैं, उनको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है इससे। अब अगर आपकी प्रोडक्ट यही है तो आपको अपेड़ा की वेबसाइट में जाके सबसे पहले प्रोडक्ट का HS कोड निकालना है। दूसरी बात, HS कोड के सामने एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वो डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ के चूज करना है। 8 डिजिट का डिस्क्रिप्शन होगा, वो आपको लेना है। उसके बाद अपेड़ा की वेबसाइट में apeda.gov.in की वेबसाइट से आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च यानी क्या, कि ये कौन कौन से एनिमल्स को हम ये खाने को देते हैं या कौन सी इंडस्ट्री में ये ऑयल केक जाएगी, कॉटन सीड ऑयल केक कहाँ कहाँ जाएगी, और वहाँ उस गुणवत्ता, उस क्वालिटी का कॉटन सीड ऑयल केक आपकी प्रोडक्ट है, कितनी वैरायटीज होती हैं, कौन उसे अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए, कहाँ पे। अभी ये आपने जान लिया, उसके बाद आपको कंट्री देखनी है कि कौन सी कंट्री में आप भेजना चाहते हैं। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स और प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये दो चीजें हैं, वो कंट्री के ऊपर निर्भर करता है। कई कंट्रीज में गवर्नमेंट के बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट के लिए शायद ना भी मिले, कई कंट्रीज में इस प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है 8 डिजिट का HS कोड। हर एक प्रोडक्ट का एक HS कोड होता है, एक अंक होता है, एक नंबर होता है, इंग्लिश के डिजिट्स वाला नंबर होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसका रिसर्च करें, उसके बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर से फिर देखें कि कहां से, कौन सी कंट्री में ये डिमांडिंग है, ये प्रोडक्ट की डिमांड है, और फिर उस कंट्री के साथ आप मिलके देखें कि ये प्रोडक्ट मैं इस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो वहां क्या क्या है, क्या नियम है, वहां की क्वालिटी क्या चाहिए वगैरह, और वहां देश में आप एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। यू कैन गो टू www.indiantradeportal.in, यू कैन गो टू www.trademap.org, यू कैन गो टू www.commerce.gov.in। यहां ये तीनों वेबसाइट से आपको आपका HS कोड भी मिल जाएगा, और उसके बाद मैंने आपको अपेड़ा की वेबसाइट भी दी है, आप उसमें भी जाके जानकारी ले सकते हैं। तो योग, आई बिलीव आपको आपका उत्तर मिल चुका होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी, प्लीज कीजिए। कोई और सवाल आए तो हमें आप जरूर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।